यह पाकिस्तान का नंबर वन चर्चा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन स्पेशल में आज मैं हूँ आपकी होस्ट कानिता इम्तियाज़। एयर ट्रेनिंग सेशन इस्लामाबाद के एक सक्सेसफुल एक्सपीरियंस के बाद आज हम मौजूद हैं फूलों के शहर पेशावर में। यहाँ पर एयर ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज़ किया गया है जहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, चलकर उनके रिव्यूज़ जानते हैं। क्या नाम है आपका? हबीबा। अच्छा हबीबा साहिबा, आप पहली बार इस तरह का ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर? नहीं, इससे पहले भी मैंने काफ़ी ट्रेनिंग सेशन अटेंड किए हैं। अच्छा, अभी ये सेशन जो हो रहा है यहाँ पर, ये आपने मिड में ज्वाइन किया है या स्टार्ट से? फ्रॉम स्टार्ट। राइट, तो अभी तक जो भी डिस्कशंस हुई हैं यहाँ पर बिज़नेस से रिलेटेड, उनकी टिप्स एंड टेक्निक्स जो भी ऐसे साहब बयान कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि वो बेनिफिशियल थी? बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल थी। उसकी वजह ये है कि मैं ख़ुद भी एक स्टार्टअप का आइडिया स्टार्ट करने वाली हूँ, सोच रही थी कि मैं करूँ, लेकिन जब मुझे पता चला कि असद आ रहे हैं यहाँ पर, तो मैंने कहा कि चलो व्हाई नॉट, मैं क्यों ना जाऊँ। जब मैं यहाँ पर आई हूँ तब मैं जब उनकी बातें सुन रही हूँ, हाँ कि एक प्लान होना चाहिए, उनकी जैसे बात है कि प्री प्लानिंग हो, और प्री प्लानिंग के साथ अगर आप एक बिज़नेस रन करते हैं तो वो बहुत अच्छा और बहुत सक्सेसफुल होता है। दैट्स व्हाई, बिकॉज इनकी एक टैगलाइन भी थी टर्न योर ड्रीम इन टू रियलिटी, तो मेरे भी कुछ गोल्स हैं तो उनको इन रियलिटी चेंज करने के लिए ट्राई। अच्छा, थैंक यू सो मच मैम। क्या नाम है सर आपका? ओलियाब शहजाद। सॉरी? ओलियाब शहजाद। अच्छा, ओलियाब, इट्स अ वेरी यूनिक नेम एक्चुअली। ओके सर, ये बताइएगा कि ट्रेनिंग सेशन अभी तक आप स्टार्ट से अटेंड करें या आपने मिड में ज्वाइन किया? मैंने थोड़ी देर बाद किया, लेकिन अभी तक आपको जो है वो कैसा लग रहा है सेशन? कुछ चीज़ें बेनिफिशियल आपके लिए कुछ समझ में आया? बिल्कुल, हाउ टू स्टार्टअप एंड ईच एंड एवरीथिंग, जो वो बहुत अच्छे तरीके से, और हर किस्म के लेवल के लोग होते हैं, उनके लेवल पर आके समझाना ये बड़ी बात है और समझ। राइट, तो अभी आप क्या करते हैं? आई एम डूइंग, मैंने वैसे तो बैचलर्स के बाद अब आगे मास्टर्स के लिए इन प्रोग्रेस चल रहा है सिलसिला, तो उसके अलावा आई एम ग्राफिक डिज़ाइनर। तो अभी फर्दर आगे आप कुछ प्लान करें या आप अभी जॉब ही कंटिन्यू करेंगे बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी? वो अब स्टडीज़ क्योंकि इन प्रोग्रेस हैं तो जॉब के लिए इसलिए नहीं, बाकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो स्किल मेरे पास है उससे मैं जो अर्निंग मुझे हो रही है मैं काम कर रहा हूँ बस। अच्छा ठीक है, आपने इससे पहले कभी इस तरह का ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया? काफ़ी ट्रेनिंग सेशंस अटेंड किए हैं। और अच्छा ठीक है, तो अभी इस पूरे सेशन में जो भी अभी तक बातचीत हुई है, क्योंकि अभी मिड में जो है वो टी ब्रेक चल रही है तो इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी तक जो भी डिस्कशंस हुई हैं उनमें आपको सबसे बेस्ट पॉइंट जो आपके लिए जो है वो आपको लगा हो कि यार ये चीज़ मुझे नहीं पता चली है? नहीं, एक्चुअली मैं ये नहीं कहूँगा कि सब में से बेस्ट पॉइंट मुझे क्या लगा, मुझे जो सब बातें थी वो इन सब बातों ने इंस्पायर किया है और सब बातें ही। क्या नाम है आप? इनायतुल्लाह नाम है मेरा जी। अच्छा इनायतुल्लाह साहब, आपने इस तरह के ट्रेनिंग सेशंस पहले कभी अटेंड किए? नहीं, इस तरह से कोई सेशन मैंने पहले अटेंड नहीं किया है जी। मैं खुद पेशावर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, लेकिन ये मेरा पहला दफ़ा है कि मैं इस तरह का बिजनेस जो सेशन ही अटेंड कर रहा हूँ जी, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पेशावर में आप लोग आए और हमारे लिए सेशन अरेंज किया आप लोगों ने। अच्छा इनायतुल्लाह साहब, ये बताइएगा कि आप अभी जैसे कि आपने बताया आप स्टूडेंट हैं, तो फर्दर आपका कोई प्लान है बिज़नेस से रिलेटेड या कुछ भी? जी हाँ, क्यों नहीं, मेरा प्लान है बिज़नेस रिलेटेड, क्योंकि हर स्टूडेंट चाहता है, हर बंदा बल्कि चाहता है कि मेरा अपना एक बिज़नेस हो, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में जो है ना गुरबत बहुत ज़्यादा हो चुकी है और टैक्सेस के अलावा भी, तो हर बंदा चाहता है कि मेरा जॉब्स के साथ साथ मेरा अपना खुद बिज़नेस भी हो। ठीक हो गया। अच्छा इनायतुल्लाह साहब, आप ये बताइएगा कि अभी तक जो भी सेशन में बातें चली हैं, जो भी डिस्कशन हुई है, उनमें क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल लगी या कोई क्वेश्चन ऐसा जो आपके माइंड में हो जिसका आपको जवाब मिला हो? मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ लगी जो कह रहा था इसका नाम असद रफी साहब, जो कह रहा था जी कि डिजिटल टीवी कमर्शियल जो चीज़ है ये मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ज़्यादातर बिज़नेस लोग जो होते हैं वो तो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन उसके एडवर्टाइजमेंट सही तरीके से नहीं करते, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ से वो एडवर्टाइजमेंट करते सम अखबार में वो अपना पम्पलेट जो वो तकसीम करते हैं या कुछ और चीज़ों में, लेकिन अगर वो अच्छी तरह और सही तरीके से वो अपना एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं तो वो टेलीविजन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? दानियाल। अच्छा दानियाल साहब, आप क्या करते हैं? मैं डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड हूँ दुबई से और एज अ फ्रीलांसर काम करता हूँ ऑनलाइन यहाँ पे। ठीक है, अच्छा दानियाल, सॉरी दानियाल, राइट दानियाल साहब, आपने इस तरह का ट्रेनिंग सेशन पहले कभी अटेंड? दिस इज माय फर्स्ट टाइम एक्चुअली, इससे पहले मैंने कोई ट्रेनिंग सेशन ऐसे नहीं लिया।
और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, मतलब बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं जो हम करना चाहते हैं आगे फ्यूचर में. तो एक जो प्रॉपर गाइडेंस होती है ना, जैसे इन्होंने कहा स्टेप वन, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे. ठीक हो गया. अच्छा मुझे बताइएगा कि आपने ट्रेनिंग सेशन मिड में ज्वाइन किया है या स्टार्ट? नहीं, मैं स्टार्ट से ज्वाइन किया. मैंने कल रजिस्ट्रेशन करवाई है और मतलब 15 मिनट कम होते होंगे, 6 बजे की बंद थी और मैंने 5:45 पे करवाई है. अच्छा ठीक है. तो अभी तक आप अगर इस तरह का कोई नेक्स्ट सेशन होता है, क्योंकि हमने जो है वो हर शहर में पाकिस्तान में जाकर ये प्रेजेंट करना है, तो अभी नेक्स्ट सेशन अगर कोई पेशावर में होता है या किसी भी सिटी में जहाँ पर आप अवेलेबल हैं, तो आप ज्वाइन करना पसंद करें? फॉर श्योर, क्यों नहीं, ज़रूर, अगर मैं पाकिस्तान में हुआ तो. थैंक यू सो मच सर. जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने लोगों से बात की, उनके तासुरात जानने की कोशिश की. उनका कहना यह है कि इस तरीके के ट्रेनिंग सेशन जो हैं वो होते रहने चाहिए. अब तक जो उन्होंने ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया है, उनका कहना यह है कि जो भी टिप्स एंड टेक्निक्स असद रफ़ी साहब ने बताई हैं वो काफ़ी बेनिफिशियल साबित होंगी. वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इस किस्म के ट्रेनिंग सेशन इन फ्यूचर भी उनके देखने के लिए आएँ और वो अटेंड कर सकें. अब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त. खुदा हाफिज़.